कार्यकर्ता को उसको उसके डेवलपमेंट की बात की। हमारे कार्यालय एक तरह से मैं कहूँगा कि बहुआयामी गतिविधियों के केंद्र होते हैं, तो उस नाते से इस कार्यालय की भी उसी प्रकार की माँ मनसा देवी के चरणों में ये कार्यालय हमारा स्थापित हुआ है। और इस तरह से माँ हमेशा अपने पुत्रों के प्रति लोक कल्याण की भावना से प्रेरित रहती है। उनकी छत्र छाया में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस कार्यालय में जो काम करेंगे उसी प्रकार से लोक कल्याण की भावना से माँ से प्रेरित रहते हुए अपने काम को सुचारू रूप से यहाँ किया करेंगे। क्योंकि यहाँ से जब भी हम देखते हैं तो माँ का ध्वज जो है हमेशा दिखाई देता है, और निश्चित रूप से वो भाव मातृभाव उनके हृदय में वो हमेशा विराजमान रहेगा। और इस मौके पर एक बात को मैं याद करना चाहता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हरियाणा के प्रभारी थे, तब उन्होंने बहुत अच्छी एक भाषण किया था रोहतक में शिक्षा भारती स्कूल में हमारे ट्रेनिंग कैंप में, और जिसका सारा सार था मातृत्व ही नेतृत्व है। इसमें मातृत्व के भाव से ठीक से आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकता है। तो यहाँ माया बीच माँ की छत्र छाया में है। भारत के रक्षा मंत्री कह रहे हैं और भारत एक दुनिया के प्रमुख देशों में भारत के रक्षा मंत्री का अपना एक स्थान, इसलिए बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहने वाले हैं, तो उस नाते से कल जो पंचकमल का लोकार्पण हो रहा है, बहुत सुंदर नाम भी इस कार्यालय का दिया गया है, पंचकुला से पंच लिया गया है और पार्टी के चिन्ह से कमल लिया गया है, दोनों मिलाकर बहुत मैं कहूँगा कि ऐसा आकर्षक नामकरण इस कार्यालय का हुआ है पंचकमल, तो उसका लोकार्पण समारोह है। तो ऐसी कई दिग्गज हस्तियाँ उपस्थित रहने वाली हैं, तो निश्चित रूप से जो है सभी एजेंसियाँ अपनी दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।